अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल बी डूइंग ग्रेट। तो तरह के लास्ट एक्सपेरिमेंट में, लास्ट लैब के अंदर हमने हाफ बिट एडर परफॉर्म किया था थ्रू नैंड गेट आईसी। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम फुल बिट एडर को एग्जीक्यूट करेंगे प्रैक्टिकली, लेकिन इसके अंदर हमने नैंड गेट इस्तेमाल नहीं करना। लैब की तरफ बाद में चलते हैं, मैं आपको जल्दी से रिकैप दे दूं हाफ बिट एडर का। हाफ बिट एडर के अंदर दो इनपुट्स थी, ए एंड बी, और हमने दो आउटपुट्स थी, एक कैरी की और एक सम की। तो मेन डिफरेंस बिटवीन हाफ एंड फुल बिट एडर इज दैट के फुल बिट एडर विल हैव थ्री इनपुट्स, ठीक है। एक मिनट में थर्ड इनपुट होगी जो के कैरी इन इनपुट कहलाती है। या तो आप उसको कैरी डायरेक्ट, जो आउटपुट पे कैरी आ रही होगी वही कैरी आप उसको वहाँ से आउटपुट उठाओगे और वो कैरी दे दो, या कोई थर्ड इनपुट आप लगा, कोई आप थर्ड इनपुट देना चाहते हो तो आप उसे थर्ड इनपुट दे सकते हो। मतलब कि फुल बिट एडर हैज़ द एबिलिटी टू एड थ्री बिट्स, वाइल हाफ बिट एडर हैज़ द एबिलिटी टू एड ओनली टू बिट्स, ठीक है। अब हम चलते हैं लैब की तरफ। सो ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम इस लैब के अंदर फुल बिट एडर विद द हेल्प ऑफ आईसीज एग्जीक्यूट करेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे, और इसके अंदर हमने नैंड गेट इस्तेमाल नहीं करना, और जितनी मिनिमम पॉसिबल आईसीज इस्तेमाल करनी है वो हमारा गोल है कि मिनिमम से मिनिमम आईसीज इस्तेमाल करके फुल बिट एडर को एग्जीक्यूट करवाया जा सके, बनाया जा सके। तो सबसे पहले तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि इसकी थ्री इनपुट्स होती हैं, उसकी टू थी। देखें, आप देख पे रहे हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तीनों सेपरेट इनपुट दे दें, या फिर आप जो कि मैं आपको भी बता रहा था कि जो थर्ड इनपुट है उसे कैरी इन बोलते हैं, आप उसको यही कैरी लास्ट दो की उठा के यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो फिर आप थर्ड इनपुट नहीं देंगे, वही जो कैरी आएगी वो इसको एज ए इनपुट थर्ड कंसिडर कर लेगा। लेकिन हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इसे थर्ड खुद से थ्री बिट्स हम ऐड करवाएंगे और वो उसका हमें आंसर देगा। अब थ्री बिट्स के पॉसिबल एट कम्बिनेशन बनते हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं, यू शुड हैव स्टडीड इट इन योर थ्योरेटिकल कोर्स। तो टू रेज टू पावर थ्री, थ्री बिट्स के टोटल कितने कम्बिनेशन बन सकते हैं, इसका आंसर आता है एट। तो देखें, थ्री बिट्स के टोटल एट कम्बिनेशन बनते हैं, वो हमने बना लिए यहाँ पे। इसके बनाने का तरीका आसान होता है, पहले आपने फोर बिट्स 0000 लगाएं, और फिर फोर वंस, फिर टू टू करके 0011 0011, एंड देन 0101 0101। ये रट्टे का तरीका है, वरना आप वैसे भी याद रख सकते हैं, पहले आपने ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, एंड देन 5 6 7 और 8, इस तरह करके आप लिख सकते हैं। अब विनो के 000 तीनों बिट्स अगर ज़ीरो होंगी तो आंसर ज़ीरो आएगा, कैरी भी ज़ीरो आएगी। एक बिट वन होगी तो आंसर वन होगा, कैरी ज़ीरो होगी, एंड देन दो बिट्स वन होंगी तो आंसर क्या होगा, 1 0। देखें, सम बिट इज़ 0 एंड कैरी बिट इज़ 1, और लास्ट में यहाँ पे आएगा जब तीनों बिट्स 1 होंगी तो कैरी भी 1 होगी और सम भी 1 होगा। तो ये अब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। हाँ, एक और बात, मिनिमम आईसीज यूज़ करनी है तो हमारे पास बेस्ट वे होता है फुल बिट एडर बनाने का कि हम टू हाफ बिट एडर्स को ज्वाइन कर दें, ठीक है। दो हाफ बिट एडर्स आपने लेने हैं, हाफ बिट एडर के सर्किट, और उनको आपने ज्वाइन करके फुल बिट एडर बना देना है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया भी है। अब हाफ बिट एडर हमने लास्ट टाइम नैंड गेट से बनाया था, तो नैंड गेट से नहीं बनाना, हमने सिंपल तरीके से बनाना है, जिस तरह के एक एक्स और गेट लगता था, क्योंकि इसकी एक आईसी जो एक सम वाली आउटपुट आ रही होती है लॉजिक, वो एक्स और से मैप कर रही होती है। तो हमने एक एक्स और आईसी उठाई जिसका नंबर था 7486, और एक हमने एंड गेट जो कि कैरी रिप्रेजेंट कर रही थी, तो हमने एक एंड गेट की आईसी लगाई है जो कि है 7408 विच इज़ देयर। अच्छा, अब हमने दो एडर, जिस तरह आपके देख रहे हैं, एक हाफ एडर यहाँ पे लगा हुआ है और एक हाफ एडर यहाँ पे लगा हुआ है, और इसकी कैरी बिट को हमने और करवा दिया है। देखें, तो ये लास्ट में हमने एक 7432 जो कि एक और आईसी वो लगाई है कि टू रिप्रेजेंट कैरी बिट, तो हमारे आंसर एक यहाँ पे मिलेगा जो कि सम बिट रिप्रेजेंट करेगा, एक यहाँ पर मिलेगा जो कि कैरी बिट है, और ये थ्री बिट थ्री हमारे पास इनपुट्स हैं। ओके, तो उसी मेथड के थ्रू मैंने तीनों, मतलब मैंने कहा था लास्ट टाइम भी कि आपने तीनों आईसीज चेक कर लेनी है पहले कि वो चाहिए या नहीं। तो ये तीनों आईसीज जो मुझे चाहिए थी, एक्स और एंड और तीनों आईसीज मैंने चेक कर लिए। वैसे ही अब मिनिमम नंबर ऑफ आईसीज और मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स यूज़ करने, तो हम इन तीनों आईसीज को यूज़ करेंगे
एक्स और हमें चाहिए दो, तो वो एक ही एच सी के ऊपर, क्योंकि चार अवेलेबल होते हैं, उसी एच सी के ऊपर से दो गेट्स यूज़ करेंगे। एंड भी हमें दो चाहिए तो एंड की एच सी के ऊपर भी टोटल चार गेट्स अवेलेबल होते हैं, दो यूज़ कर लेंगे। और एक और का चाहिए था, एक हमने और की एच सी ले ली। तो लेट्स मेक इट ओके। तो एज अ फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया है, एक्स और एंड और आई सीज लगा दी, और सब की पावर और ग्राउंड पिन्स मैंने कॉमन कर दिए, ताकि आप किसी एक को देखें, ये सेवन पिन इस सेवन से और ये सेवन इस सेवन से, ये फोर्टीन इस फोर्टीन से, ये फोर्टीन इस फोर्टीन से, सब कॉमन हो गई। अब मैं किसी एक को भी अगर मेन पावर और ग्राउंड दूंगा तो वो तीनों एचेस के ऊपर जाएंगे, ठीक है ओके। तो जिस तरह के इसके अंदर आप देख रहे हैं, एक्स और एंड दोनों को सेम इनपुट्स मिल रही हैं, तो हमने यहाँ पे इनपुट देनी थी एक्स और को, दो मैंने एक्स और की और एंड की इनपुट्स कॉमन कर दिए। ये सेम ब्लैक पिन वहाँ पे भी जा रही है और ये वाइट यहाँ पे आ रही है। अब मैं अगर जो इनपुट यहाँ पे दूंगा ना एक्स और को, वो वही सेम एंड के पास भी आएगी। और ये मैंने पुल डाउन रजिस्टर बताया, पुल डाउन रजिस्टर लगाए हैं, जो कि मैंने लास्ट लैब में आपको बताया था कि क्या होते हैं, गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए। और प्लस अब आगे चलते हैं ओके। फॉलोइंग द सेम सर्किट, ये सर्किट हमारे पास बन गया, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सिंपली सर्किट को देख के आपने पिन्स बिल्कुल एज इट इज कनेक्शन करने हैं वायर के, सही है। और ये वाली बिट लास्ट एक्सपेरिमेंट में ये कैरी बिट थी और ये सम बिट थी, इस केस में ये वाली एलईडी विल इंडिकेट सम बिट, मतलब सम वाली, और ये वाली होगी हमारे पास कैरी बिट। ये इनपुट्स हैं, एक इनपुट ए, एक बी और एक सी, और बाकी ये। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ टेस्टिंग ओके। अब वेरीफाई करते हैं कि हमारा सर्किट सही बना है या नहीं बना। तो फर्स्ट इनपुट देख रहे हैं आप 000, अभी देखें किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, और ऑलरेडी वो पुल डाउन रजिस्टर लगे हुए हैं तीनों इनपुट्स के साथ, ये पहली इनपुट, दूसरी इनपुट, ये थर्ड इनपुट सी, तीनों इनपुट के साथ पुल डाउन रजिस्टर, इसका मतलब ऑलरेडी इन्हें लॉजिक जीरो मिल रही है। अब लॉजिक जीरो पे, 000 पे ना कैरी बिट ऑन हुई है ना सम बिट ऑन हुई है, इसका मतलब के 00 आ रहा है। तो देखें 000 पे सम और कैरी बिट ज़ीरो होगी, उसके बाद किसी एक बिट को हमने वन करना है, इधर सी को किया हुआ, ये हमारी सी बिट है, ठीक है, इसको हमने वन कर दिया है। अगेन लास्ट टाइम की तरह ये ऊपर वाली पूरी रो जो रेड लाइन है, ये हमारे पास 5 वोल्ट दी हुई है, तो इसका मतलब वन होगी। मैं ये ऊपर वाली लाइन में डाल रहा हूँ, देखें ये यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे वन चला गया, नो दिस इज़ वन, और बाकी दोनों ज़ीरो पे हैं। तो देखें सम बिट इज़ ज़ीरो, सम बिट इज़ वन एंड कैरी बिट इज़ ज़ीरो, सम बिट इज़ वन एंड कैरी बिट इज़ ज़ीरो। अच्छा, उसके बाद अब हम कोई सी दो वन करते हैं, मतलब ऑलरेडी एक वन है मैंने पावर पे लगा दी, मतलब 5 वोल्ट मिल रहा है, एक और मैं पावर पे लगा रहा हूँ, तो अब सम बिट ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि 10 बनता है, कैरी बिट वन होनी चाहिए। तो ये देखें, देखें अभी मैंने लगाता उतारता हूँ ना, तो वापस मतलब सिर्फ वन मिल रहा है, और जब मैं इसे दोनों वन दूंगा तो नाउ दिस इज़ कैरी बिट इज़ वन एंड सम बिट इज़ ज़ीरो, कैरी बिट इज़ वन एंड सम बिट इज़ ज़ीरो सी के लिए। इसी तरह बाकी सब भी ऐसे ही होगा। एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं जिसमें तीनों वन हो, तीनों वन है, तो ऑलरेडी एक दो है हमने वन पे, थर्ड बिट को भी मैं वन कर रहा हूँ, थर्ड बिट को भी उठा के मैं वन कर रहा हूँ, तो अब बोथ LED शुड बी ऑन। तो ये देखें अब दोनों ऑन है, इसका मतलब ये हुआ कि वन वन, तो तीनों वन वन पे वन वन है। इसके अलावा रेंडमली कोई पिक कर लेते हैं हम, लेट्स से ए और सी को हमने वन रखना है और बी निकाल लेनी है, तो बी इनपुट हमारे पास थी, वेयर इज़ द ब्लैक वायर, ये हम बी इनपुट को निकाल देते हैं, तो देखें नाउ कैरी बिट इज़ वन एंड सम बिट इज़ ज़ीरो। देखें हमने क्या किया, बी इनपुट को निकाल दिया 101, तो कैरी बिट इज़ वन विच इज़ हेयर एंड सम बिट इज़ ज़ीरो। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस lab, make sure to submit your manuals on time, और किसी किस्म की भी कोई questions हैं, कोई query है, तो you can ask in the class. जज़ाकअल्लाह।
खुदा हाफिज़।